ये तस्वीर जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तुम्हारी जिंदगी की कई उलझनों को सुलझा सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। ये तस्वीर ना बहुत बार मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में दिखाता हूँ, लोगों को पूछता हूँ कि आपको इसमें क्या नजर आ रहा है। शुरू शुरू में तो बड़े इंटरेस्टिंग जवाब मिलते हैं। कोई कहता है इसमें स्वच्छ भारत अभियान नजर आ रहा है, गांधी जी का चश्मा नजर आ रहा है, कोई कहता है उसको हट नजर आ रही है, झोपड़ी नजर आ रही है। फिर मैं पूछता हूं कि क्या आपको इसमें ज्योमेट्री की कोई फिगर्स नजर आ रही है। जैसे मैं पूछता हूं एक दो लोगों का जवाब आता है सर्कल नजर आ रहा है, फिर ट्रायंगल नजर आता है, स्क्वायर नजर आता है, धीरे धीरे ऐसी कई फिगर्स उनको नजर आती है। और इतने में मैं पूछता हूं क्या आपको इसमें कोई नंबर नजर आ रहा है। इतने में दो चार लोग बोलना शुरू हो जाते हैं, किसी को 2 नजर आ रहा है, किसी को 4 नजर आ रहा है, किसी को 6 नजर आ रहा है, किसी को 9 नजर आ रहा है। धीरे धीरे उनको पता चलता है कि इसमें सिर्फ ज्योमेट्री की फिगर्स ही नहीं, 0 से 9 हर नंबर तक इसमें मौजूद है। और इतने में मैं उनसे पूछता हूं क्या आपको इस फिगर में कोई अल्फाबेट नजर आ रहा है, तो लोगों का जवाब आना शुरू हो जाता है, किसी को सी नजर आ रहा है, किसी को डी नजर आ रहा है, किसी को ए नजर आ रहा है, किसी को बी नजर आ रहा है। और करते करते उनको ये समझ आता है कि इसमें सारे अल्फाबेट्स मौजूद हैं, मतलब सारे अल्फाबेट्स इसके अंदर हैं, सारे नंबर्स इसके अंदर है, ज्योमेट्री की कई फिगर्स इसके अंदर हैं। लेकिन क्या सबको पहली बार में नजर आ गई थी? नजर नहीं आई थी, लेकिन मौजूद इसके अंदर थी। तुम बिजनेस आइडिया ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तुम पढ़ाई करना चाह रहे हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, तुम किसी उदासी में हो, तुम जिंदगी की किसी उलझन में हो। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हें नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि सलूशन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि तुम अपना फोकस प्रॉब्लम पे कर रहे हो, अपना फोकस सलूशन पे नहीं कर रहे। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके आसपास है, इनफैक्ट जहां प्रॉब्लम है ना वही सलूशन है। हो सकता है आपको नजरिया बदल के देखना पड़े, हो सकता है लेफ्ट से देख रहे हो राइट से देखना पड़े, हो सकता है किसी की मदद लेकर उस सलूशन तक पहुंचना पड़े, हो सकता है आपने ढूंढने की कोशिश करी लेकिन हिम्मत हार गया और सोच लिया कि सलूशन मौजूद ही नहीं है। यार जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था ना, तो मैक्सिमम लोगों ने जो अपना फोकस किया था ना वो प्रॉब्लम पे किया था। हम तो गुलाम है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो बेचारे हैं। लेकिन उसी प्रॉब्लम में सॉल्यूशन भी मौजूद थे, और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ऐसे फ्रीडम फाइटर्स ने मौजूद हुए सॉल्यूशंस पर फोकस किया और हमें आजादी दिलवाई। मैक्सिमम लोग बिजनेस को कोसते रहते हैं कि हिंदुस्तान में बिजनेस नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स बहुत है, मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरे पास मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। उन्हीं हालातों में किसी ने टॉयलेट्स में से भी सुलभ शौचालय जैसा बिजनेस 300 करोड़ का बना दिया। लोग कहते हैं बिजनेस आइडियाज नहीं है, किसी ने वेस्ट के ऊपर ही, रिसाइकलिंग के ऊपर, कबाड़ से, कचरे से कई स्टार्टअप बना दिए करोड़ों रुपए के। अरिवा सेना ने टांगे कट जाने के बाद भी माउंट एवरेस्ट फतह किया। दीपा मलिक ने व्हील चेयर पर बैठे शॉर्ट पुट थ्रो में इंडिया को सिल्वर मेडल दिला दिया, क्योंकि इन लोगों का फोकस सोल्यूशन पे है, प्रॉब्लम पे नहीं। उसी प्रॉब्लम में सोल्यूशन मौजूद है, उन्होंने फोकस उस पे किया। सो जैसे इस तस्वीर में इतना कुछ छिपा है, किसी को जल्दी नजर आया, किसी को लेट नजर आया, किसी को नजर